दोस्तों स्वागत है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के और एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एसएससी जीडी 2021 के कैंडिडेट हैं उन लोगों का मेडिकल लिस्ट आ गया था और उसका एडमिट कार्ड भी अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, तो उसी को हम लोग डाउनलोड करेंगे दोस्तों लाइव। तो वीडियो में बने रहे, हम लोग को CRPF की वेबसाइट में जाना होता है, जो होम पे जाएगा crpf.government.in, इसमें जाने के बाद हम लोग डाउनलोड ई एडमिट कार्ड DB/DME इस लिंक के हम लोग क्लिक करना होगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लीजिए सब। उसके बाद हम लोग इसमें देखिए दोस्तों, आप लोग किस किस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आएगा, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जानते हो तो रोल नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा आएगा, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है तो अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना ये डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से हम डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होगा दोस्तों। डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करना होगा, उसके बाद सर्च। देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड का सारा डिटेल्स आ गया है, रोल नंबर आ गया है, फॉर्म नंबर आ गया है, रोल नंबर आ गया है, नाम आ गया है, यहाँ पे पिताजी का नाम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गया है, कैटेगरी कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी आ गया है, जेंडर भी आ गया है, और किस डेट को आपका मेडिकल होने वाला है वो भी आ गया है, और रिपोर्टिंग टाइम भी दिया हुआ है दोस्तों। तो नीचे के ऑप्शन में आएंगे, क्लिक हेयर टू प्रिंट योर एडमिट कार्ड। तो इस वाला ऑप्शन में आने के बाद देखिए दोस्तों, हम लोग का एडमिट कार्ड आ गया है और हम लोग डाउनलोड अभी कर सकते हैं इसको। यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से सेव PDF भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही बताना था दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो जय हिंद, जय भारत।